तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज मैं ये वीडियो शुरू करूंगा एक अपने दोस्त के क्वेश्चन का आंसर देके। तो हुआ ये कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में, लास्ट वीडियो में बाहर का जो फिल्म सिटी के सेट्स हैं और अपना कॉलेज दिखाया था। तो यहाँ एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आसपास आपको, जहाँ जहाँ जो जो दिखेगा ये काफ़ी जंगल है। तो एक भाई साहब ने मेरे को मैसेज किया कि भाई तू बॉम्बे में है ही नहीं। मतलब उसे लगा कि मैं सबको झूठ बोल रहा हूँ कि मैं बॉम्बे में हूँ और मैं कुछ भी दिखा रहा हूँ और मैं बॉम्बे में हूँ ही नहीं। तो एक तो भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं हाथ जोड़ के तेरे को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तूने ये सोच लिया कि मैं इतना बड़ा प्रैंक पुल ऑफ कर सकता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अब क्योंकि अब उसने बोल ही दिया है कि भाई मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, तो अब मुझे आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं सच्ची में हूँ, अब मैं कैसे दिखाऊँ। तो आपको मैं कहीं लेके चलता हूँ। ओके, तो उन भाई साहब का जवाब देने के लिए मैं एक जगह पे आ गया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से नज़ारा क्या है। तो देखो, अब तो बॉम्बे लग रहा होगा, नीचे स्लम्स ऊपर बिल्डिंग्स। तो ये है मेरी बिल्डिंग का रिफ्यूज एरिया, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है सामने का, एक मिनट ऐसे। और ये कभी कभी रात को बहुत बहुत डरावना दिखता है। ओके, तो आई होप कि वो भाई साहब को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। भाई मैं बॉम्बे ही रह रहा हूँ, तो अभी मैं बना रहा हूँ खुद के लिए चाय। तो मैं आजकल चाय पीता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता था इतना कोई बुरा चीज़ है चाय पीना। मैं तो बेसिकली इसीलिए पीता हूँ क्योंकि मेरे को दिन में बहुत नींद आती है, तो चाय से नींद उड़ जाती है। वैसे नींद से याद आया, मेरे को जब से ये लॉकडाउन वाला सीन हो गया ना, मेरे को बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। मुझे ऐसे कभी सपने नहीं आए। मैं बेड पर गिरता था, मेरे को हॉस्टल में रहा हूँ मैं बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम तक, तो मेरे को वहाँ पे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि सपने वपने भी कोई चीज़ है। हाँ, कभी सपने आ गए कि गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, ये सब। पर मैं जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, मेरे को बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं। मेरी शादी हो रही है, मैं अपनी शादी से भाग रहा हूँ, मेरे घर वाले मेरे से ज़बरदस्ती वो सब करवा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है। तो मेरे को अगर कोई बता सकता है बता दो भाई ये क्यों हो रहा है। तो शायद ही मैंने पहले मेंशन नहीं किया, बट मेरे घर का वाईफाई पिछले एक महीने से नहीं चल रहा है, और अभी अभी मेरे को पता चला है कि मेरा जो नेटवर्क मैं यूज़ करता हूँ उसका भी पैक ख़त्म हो गया है, और मैं इस वक्त किसी को कॉल नहीं कर सकता, ना ही किसी को टेक्स्ट कर सकता। और मैं ये शूट कर रहा हूँ बट मुझे नहीं पता कि ये मैं अपलोड कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो मैं तब से वेट कर रहा हूँ कि कोई मेरे को कॉल करे तो मैं उसको बोलूँ कि भाई ये हो गया है, फिर वो रिचार्ज करे तो मैं उसको पैसे भेजूँ। तो मैं शूट तो कर रहा हूँ बट फिर भी देखते हैं। और ऑल्सो मैं आपको ये टीवी के बारे में बताता हूँ। ओके, तो ये टीवी एक्चुअली होता था बाहर हमारे हॉल में, ठीक है। तो बट मैं इतना लेज़ी हो गया कि मुझे नहीं रहना था, बाहर नहीं जाना था मेरे को, तो मैंने किया क्या, मैं इसको यहाँ ले आया। अब इसको यहाँ पे रखने के लिए कोई सपोर्ट थी नहीं, तो मैंने क्या किया, ये मेरा स्टडी टेबल है, यहाँ पे मेरे पास ये पॉडकास्ट के लिए माइक यूज़ करते थे हम, वो था, और यहाँ पे मैंने ये बुक्स रख दी, और इसके पीछे कुछ भी नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए। तो बस ये जुगाड़ से टिका हुआ है यहाँ पे, और प्लस हमारे पास कोई भी सैटेलाइट कनेक्शन नहीं है, तो मैं इस पर देखता क्यों।
तो हमारे पास कोई भी सैटेलाइट कनेक्शन नहीं है, बट एक चीज़ थी जो हम जिसके लिए ये टीवी लिया टीवी हमने रेंट किया था, वो था PS4 पे गेम्स खेलने के लिए। तो PS4 एक्चुअली मेरे फ्रेंड का है, एकांश का, वो गलती से भूल गया। वो घर जाने से पहले गलती से उसको PS4 ले जाना था, वो भूल गया। तो मैं अभी तक मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो थैंक गॉड कि वो भूल गया, और उस चक्कर में मैं दिन में मेरा टाइम पास हो जाता है मूवीज़ देख के। और ये था कि हाँ, मैं अपना लैपटॉप इससे कनेक्ट कर सकता था, बट उसके लिए HDMI कॉर्ड चाहिए। मेरे पास HDMI कॉर्ड भी नहीं थी, तो बस मैं किस्मत पे चल रहा हूँ। ऑल्सो आप लोग हमेशा, मतलब मेरे को नहीं पता कि आपने नोटिस किया कि नहीं, बट सोचते होंगे कि ये इधर ये क्या है। तो ये मेरा रूम है, ये रहा वॉशरूम, बट ये कुछ बहुत ही मस्त है। तो हमने जब ये रूम लिया था रेंट पे, तो हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे ये भी होगा। तो मैं ये कबर्ड प्लेस क्लोज़ेट होने वाला नहीं था, बट मैंने जैसे ये देखा तो मैंने कहा क्यों ना कि ये ऐसा रईस सा क्लोज़ेट बना सकते हम इसको। तो यहाँ पे बेसिकली मेरी और अखिलेश की कबर्ड्स हैं, और ये ग्रीन स्क्रीन है। और मुझे कुछ ज़्यादा खास ग्रीन स्क्रीन के साथ करना आता नहीं है। खास क्या, मुझे कुछ भी करना नहीं आता, बट हाँ, अगर फिर भी आपको कुछ चाहिए कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा मस्त तहलके वाली चीज़ करूँ, तो मैं ट्राई ज़रूर कर सकता हूँ। तो अभी तो मैं यही कर रहा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ कि कोई मेरे को कॉल करे और मेरे को बचाए। भाई, मैं ना ब्लॉग अपलोड हो पाएगा, ना मैं अपना कुछ काम कर पाऊँगा, और मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा, मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो फाइनली मैंने जैसे तैसे कुछ जुगाड़ करके अपना रिचार्ज करा लिया है। तो अभी हम कर रहे हैं जूम कॉल आकांक्षा के साथ, AKA अकी, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो 1 मिनट मैं उसको ला रहा हूँ। अकी किधर है? तो अकी, पहले तो सबसे पहले हेलो बोल मेरे सारे व्यूअर्स को। हाय एवरीबॉडी। हाँ, तो मैंने तेरे को अभी आज ज्वाइन इसलिए किया है जूम कॉल में, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया था ड्रीम्स को लेके। तुम क्योंकि तूने साइकोलॉजी पढ़ रखी है, तो तेरे से ज्यादा मुझे नहीं लगता मेरे सर्कल में कोई जानता है ड्रीम्स को लेके। तो पहले तो तू, मतलब मेरे को लगता है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सपने जो आते हैं या ड्रीम्स हमें जो आते हैं वो सबको इसलिए याद नहीं रहते क्योंकि सबके लिए वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होते। जिन लोगों के लिए वो मतलब जिन लोगों को ड्रीम्स डिस्टर्ब करते हैं या सिर्फ उन्हीं को याद रहते हैं। यूजुअली डीप स्लीपर्स को ड्रीम्स नहीं याद रहते हैं, लाइट स्लीपर्स को ड्रीम्स याद रहते हैं। मतलब उसके अलग अलग वेरिएशन होते हैं कि क्यों किसी को ड्रीम याद रहेगा या नहीं रहेगा, उसका भी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। एंड कमिंग टू ये अजीब टाइप के ड्रीम ये वो, तो एज पर थ्योरीज लोग कहते हैं कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, मतलब जिस माइंड से हम वाकिफ नहीं है, वे आर नॉट अवेयर ऑफ इट एट ऑल, वो मतलब सोते हुए हमारे ड्रीम्स उसको टैप करते हैं क्योंकि हमारा माइंड फुल रेस्ट में होता है एंड वी आर नॉट इन आर लाइक हमारे सिर्फ इनवॉलेंट्री सिस्टम्स चल रहे होते हैं। तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता, मतलब हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता है एंड इसलिए वो अनकॉन्शियस चीजों को टैप करता है, विच इज यूजली योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, यूजली योर चाइल्डहुड, एंड उससे वो रिलेट कर करके सिंबल्स बना बना के हमें ड्रीम्स के थ्रू भेजता है। क्योंकि वो एकदम से भेजेगा तो या तो हम उठ जाएंगे या हम वो ले नहीं पाएंगे, हमें शॉक हो जाएगा। तो ड्रीम्स आर अ मीडियम ऑफ टेलिंग यू कि ये तुम्हारे लाइक अनकॉन्शियस में चल रहा है जो तुम्हें पता नहीं है, बट सिंबल्स हैं। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग दिस। अब हम आते हैं कि तेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि 2 महीने से तू घर जा चुकी है, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, और बीइंग अ डायरेक्शन स्टूडेंट, तेरी लाइफ में क्या चेंजेस है? फर्स्टली तो ये चेंज है कि बहुत मुश्किल होती है, मतलब घर के अंदर अंदर रह रह के आइडियाज सोचने की या मतलब कुछ लिखने की। तो हम मतलब मेरे लिए ये मेन होता था पहले, जब मैं बॉम्बे में थी तब मेरे को था कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा लिखने का, स्क्रिप्ट लिखने का, ये करने का। और अब जब टाइम हो गया है इतना सारा, तब हो ही नहीं पा रहा है। मतलब क्योंकि आइडियाज जैसे आते हैं ना, वो ऐसे कुछ तुम बाहर कहीं पे देख लो या कुछ सोच लो कहीं जाके, तब ऐसे आइडियाज आते हैं। जब तुम एक ही जगह पे हो, एक ही चीजें कर रहे हो रोज, आइडियाज आने थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मैं तो ट्राई करती हूँ कि मैं रोज कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखने की कोशिश करूँ या कुछ पढ़ूँ, ताकि मतलब मेरा दिमाग अपने
मेंटल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं ना, आप उसमें रहे। ठीक है, मेरे साथ भी यही होता है। तो थैंक यू कि हमसे इतना बात करने के लिए, हमें ड्रीम्स के बारे में बताने के लिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, बट मैं बहुत इंटरेस्टेड था ये सुनने के लिए। तो थैंक यू बताया, और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है, क्योंकि मेरा बीच में नेट पैक खत्म हो गया था, वाईफाई नहीं चल रहा था, बहुत से आपे हुए थे। तो कोई ना, और जिनको लग रहा है कि मैं मतलब कुछ ज्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो भाई वेट कर लो, लॉकडाउन जैसे खत्म होगा हम बारिश कर देंगे कंटेंट। तो ठीक अरे मैं ये पेरेंट्स के लिए वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं खुद ही, पहले तो मेरा नेटवर्क नहीं आया, फिर बहुत ही स्यापे हो गया जिंदगी में। तो कोई ना, कल कल या परसों जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो हम उसी तरफ सोचेंगे। और हाँ, मेरे को जरूर बताना कि मेरे और फ्रेंड्स अगर वीडियो में आए तो आपको कैसा लगे। और इस जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना या डिसलाइक करना आज आप पे है, क्योंकि मेरे को खुद को भरोसा नहीं इतना कि आज का वीडियो कैसा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।